السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. sallallahu alaihi wa sallam nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam salatun wa salamun alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah tbarak wa taala ne har jandar ke liye, har nafs ke liye maut paida farmayi hai, aur Allah tbarak wa taala ne zindagi aur maut ki paidaish ke taluq se farmaya ke humne maut aur zindagi isliye paida ki taaki hum aazmaye ke tum mein se kaun behtareen aamal karta hai. Allah ke rasul sallallahu alaihi wa sallam इरशाद फरमाते हैं कि तुम दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे कि चलता हुआ मुसाफिर, कि जैसे मुसाफिर किसी शहर से गुजरता है वैसे ही तुम दुनिया से गुजरो, और दुनिया में रहकर बंदा आखिरत की तैयारी करे. आज हमारी नशिश्त का जो टॉपिक है वो है मौत के ताल्लुक से, कि मौत के बाद के जो हालात हैं, गुस्ल, कफन, दफन वगैरह, उसके ताल्लुक से हम आज कुछ बातें करेंगे. उससे पहले एक दो हदीसें बयान कर दूं. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बीमारी ये एक अजीम नेमत है जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है. और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को सख्त बीमारी में मुबतला फरमाता है या उस पर कोई मुसीबत आती है, तो इन मुसीबतों के जरिए या बीमारियों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला उसकी पाकी या और उसकी सफाई फरमाता है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की आयादत के लिए तशरीफ ले जाते तो आप उसे देखकर फरमाते, ला बस तुहूरन इंशाअल्लाह. सरकार फरमाते, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह तुम्हारी पाकी हो जाएगी गुनाहों से. और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला कि यहाँ बंदा किसी आला मकाम पर लिखा हुआ होता है लेकिन उसके आमाल इस कदर नहीं होते कि वो उस आला मकाम को हासिल कर सके, तो उस आला मकाम तक पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला उस पर मुसीबत या उस पर बीमारी नाजिल फरमाता है, और फिर बंदे को सब्र अता फरमाता है, और जब बंदा सब्र करता है तो फिर अल्लाह उसे वो आला मकाम अता फरमा देता है. तो मौत के वक्त बंदा जो है जिन सख्तियों में सख्त से गुजरता है तो ये सख्तियां जो है उसके लिए बाईस से मगफिरत होती है. मौत से पहले बीमारियां आना ये भी बाईस से मगफिरत होती है. कुछ हजरात वो भी होते हैं, अब ये यानी कि इस बयान को सुनकर कोई ये ना समझे कि जो बगैर बीमारी के चला गया तो वो तो गुनहगार ही गया. नहीं, कभी कभी ये भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो किसी को इतनी आसान मौत अता फरमा देता है, ये उसकी मकबूलियत की भी निशानी होती है कि बंदा जो है बैठे बैठे गुजर जाता है, सेहतमंद तंदुरुस्त होता है और उसकी वफात हो जाती है. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक ये है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह के फरिश्ते किसी गुनहगार फासिक व फाजिर की रूह खींचते हैं तो इस सख्ती के साथ खींचते हैं कि जैसे कि रेशम का कपड़ा भिगा कर या सूती कपड़ा भिगा कर उसे कांटेदार दरख्तों पर डाल दिया जाए, कांटेदार दरख्त पर डाला जाए और फिर उसे खींचा जाए तो उसके तार तार अलग हो जाते हैं. कहते हैं इतनी तकलीफ रूह खींचते वक्त गुनहगारों को होती है, और जब किसी मोमिन की रूह को खींचते हैं तो इतनी आसानी से खींच लेते हैं जैसे कि आटे से बाल खींचा जाता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता. तो बहरहाल ये जो है अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी बीमारियां देकर अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से पाक फरमाता है. तो बीमारी भी एक अजीम नेमत है. बंदा जब बीमार हो तो उसकी आयादत के लिए जाना चाहिए, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. तो हमें भी आयादत के लिए जाना चाहिए. आयादत के लिए जब जाएं तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ कलिमात खैर कहें, कुछ अच्छी बातें कहें, तसल्ली की बातें, लेकिन ये कि कोई ऐसी बात ना कहे कि जिससे उसे ये एहसास हो कि मेरा आखिरी वक्त है या अब मैं इस बीमारी से अच्छा नहीं होऊंगा, बल्कि उसकी ढारस बंधाए, उसे तसल्ली दे कि तो अच्छा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, उसके दिल को और मजबूत करें. ऐसी बातें ना करें या सर ना हिलाएं, यानी देखा कि उसकी हालत बड़ी खराब है तो ऐसे सर ना हिलाएं कि उसे लगे कि हाँ इसने इसे देखकर लगा कि मेरी हालत बहुत खराब है. इस तरह का तरीका इख्तियार ना करें, बल्कि जो है उसके पास जाकर अच्छी बातें करें कि ताकि उससे एहसास हो कि मैं अच्छा हो जाऊंगा.
इसी तरह से फुकाहा फरमाते हैं कि बीमार के सर पर हाथ ना रखे सिवाय इसके कि उसे यह यानी कि उसे अच्छा लगता हो कि बंदा यानी कोई ऐसा शख्स है कि जिसका हाथ रखना उसके सर पर उसे अच्छा लगता हो तो रखें, वरना तो हर कोई आकर उसके सर पर हाथ रख कर जाए तो ऐसा लगेगा, उसे एहसास होगा कि ये मेरी आखिरी लम्हात हैं, इसलिए लोग जो है मेरे सर पर हाथ रख कर जा रहे हैं उन्हें मुझ पर बड़ा रहम आ रहा है वगैरह वगैरह, तो इस तरह के आमाल से बचना चाहिए। जब बंदे के इंतकाल का वक्त करीब होता है, वो नज़ा के वक्त में होता है, तो नज़ा के वक्त जो है हमें तो नहीं पता चलता, यानी पता नहीं होता कि ये इसकी नज़ा का वक्त है या नहीं है, इसलिए बहुत से लोग जब यानी कि जब बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनकी सांसों में कभी थोड़ा इंतशार होता है, यानी थोड़ी सी सांसें कम होती है, कभी यानी कि बीमारी बढ़ जाती है, कभी बेहोशी तारी होती है, ऐसे हालात होते हैं तो लोग समझते हैं कि बस आखिरी वक्त आ गया, तो वो जो है उसके करीब सारे जमा हो जाते हैं और इस तरह के मामलात करते हैं कि बस अब ये बंदा जाने ही वाला है, यानी गोया के घर वाले इंतज़ार कर रहे थे कि बस चला जाए जल्दी जाए। तो ये इस तरह से यानी भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए, लोग उसके पास आएं थोड़े थोड़े करके आएं और बहुत ज्यादा भीड़ जमा ना हो। और नज़ा के वक्त जो है जब हमें ये पता चले कि आखिरी लम्हा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है नज़ा का वक्त है, हो सकता है कि वो उससे जांबर हो जाए यानी कि अच्छा हो जाए, तो ये जो है ऐसा हज़रत साद इब्न अबी वक्कास के साथ हुआ, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के साथ हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग समझें कि आखिरी वक्त आ गया लेकिन फिर वो सेहत याब हो जाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कि जब हमें ये लगे कि ये जांकनी का वक्त है और नज़ा का वक्त है तो उसे क़िबला रुख लेटा देना चाहिए, और क़िबला रुख का मतलब यह है कि उसे दाहिनी करवट पर लेटा दिया जाए, और अगर दाहिनी करवट पर लेटाना मुमकिन ना हो, उसे यानी हिलाया नहीं जा सकता, तो फिर उस सूरत में उसका चेहरा जो है किबले की तरफ कर देना चाहिए, थोड़ा सा यानी कि किबले की तरफ थोड़ा सा चेहरा घुमा दिया जाए, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर उस सूरत में एक तीसरा ऑप्शन ये है कि उसके पैर किबले की तरफ कर दिया जाए और सर को थोड़ा सा ऊंचा तकिया वगैरह रखकर ऊंचा कर दिया जाए, तो इस सूरत में भी वो किबला सिमत हो जाएगा, और अगर सर उठाने में तकलीफ है तो फिर रहने दें, सर को सीधा ही रहने दें, लेकिन ये किबले की सिमत में हो जाएगा, और उसके करीब बैठ कर जो है हमें की तलकीन करनी चाहिए और जोर से, ये जोर से पढ़ें, बस इतना ही, हम उससे ना कहें कि तू पढ़, इसलिए कि अगर हम ये उससे कहते हैं कि तू पढ़ और वो बड़ी सख्त तकलीफ में है, नज़ा का वक्त है, बहुत सख्त तकलीफ होती है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सर का इरशाद फरमाते हैं कि अगर यानी फरिश्ते जो हैं वो आते हैं और नूरी रस्सियों से बंदे को पहले बांध देते हैं, उसके हाथ पैर वगैरह बांध देते हैं, तो उसे बड़ी तकलीफ होती है लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता, वहां से हट नहीं सकता, लेकिन अगर उसे फरिश्तों ने बांधा ना हो तो फिर इतनी सख्त तकलीफ होती है कि बंदा दौड़ता फिरे, जंगलों में भागता फिरे, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, तो इतनी सख्त तकलीफ के वक्त जो है आप उसे यूं ना कहे कि कलमा पढ़, या ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब पढ़ने के लिए ना कहें, बल्कि सिर्फ हम जोर से पढ़ें ताकि उसे तलकीन हो जाए कि हाँ मुझे ये कलमा पढ़ना है, ये लोग ये बताना चाहते हैं कि मैं भी पढ़ लूं, और इस हालात में जो है वो बंदा खुद समझ जाता है और वो कलमा पढ़ लेता है। अगर उसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अगर पढ़ लिया तो ठीक, लेकिन अगर पढ़ लिया फिर उसके बाद कुछ बात की और फिर बात कर ली तो फिर दोबारा हम तलकीन करें, दोबारा जोर से पढ़ें ताकि उसकी आखिरी बात जो है वो कलमे तैयबा हो। अब जो है अगर उसकी रूह निकलने में बहुत ज्यादा सख्ती होती हो या तकलीफ होती हो तो वैसे भी यानी कि नज़ा के वक्त मैयत के करीब सूरह यासीन बैठकर पढ़ना ये मुस्तहब है, तो आप बुलंद आवाज से सूरह यासीन पढ़ें, सूरह रात पढ़ें, तो ये अच्छी बात है। और जब उसका इंतकाल हो जाए तो सबसे पहला काम ये करें कि आप जो है उसे पहले उसके दाढ़ी से लेकर यानी थोड़ी से लेकर के सर तक एक पट्टी चौड़ी पट्टी बांध दे ताकि उसका मुंह खुला ना रह जाए, और उसके बाद जो है उसके आंखें बंद कर दे, और आंखें बंद करते वक्त बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह ये पढ़ते हुए जो है आप उसकी आंखों को बंद कर दें, और उसके हाथों को पैरों को वगैरह को सीधा कर दें, हाथ पैर जो जैसे भी हों उन्हें सीधा कर दें, और सीधा करने में ख्याल रखें कि दोनों हाथ करवटों पर रहे, पहलुओं में रहे, ये नहीं कि सीने पर रखें या नाफ के नीचे रखें, ऐसा नहीं, बल्कि सीधे उसके हाथ रखने चाहिए। और फिर उसके बाद जो है अब इसके यानी कि गुस्ल और कफन वगैरह की तैयारी की जरूरत है, इसे गुस्ल और कफन भी एक ही बार देना चाहिए, बार बार दिया नहीं जा सकता, एक ही बार देना चाहिए, दो मरतबा नहीं दिया जा सकता। तो अगर
उसका इंतकाल हो गया और आपने पहली यानी कि अब जैसे रात में इंतकाल हुआ उसे सुबह दफनाना है, तब भी आप रात में उसे गुस्ल देकर तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर रात में गुस्ल ना दिया कल सुबह देना है तो उस सूरत में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह कि मैयत को जो है जमीन से ऊंचा रखे, तख्त पर लेटा या किसी चारपाई वगैरह पर, इस तरह यानी बुलंद जगह पर उसे रखना चाहिए, जमीन पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद जब आप उसे यानी कि गुस्ल दें तो जिस तख्ते पर गुस्ल के जिस तख्ते पर आपको उसे लेटाना है उस तख्ते को सबसे पहले आप जो है 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा धुनी दे दें, यानी कि लोबान या अगरबत्ती वगैरह के जरिए से उसमें उसके इर्द गिर्द घुमा दें, उसे धुनी दे दें। और धुनी देने के बाद जो है आप उस पर मैयत को लेटाएं तो उसके यानी के नाफ के ऊपर से लेकर यानी सीने से लेकर के घुटनों के नीचे तक का एक कपड़ा उस पर डाल दें और उसके बाद उसका उसके कपड़े उतार दें और उसके बाद फिर जो है उसे गुस्ल देना शुरू करें। तो गुस्ल देने में जैसे हम वजू हमारे लिए फर्ज है वैसा वजू उससे करवा उसे करवाएं। तो सबसे पहले जो उसका चेहरा धुलाएं और चेहरे के बाद जो है दोनों हाथ कोहनियों समेत, फिर उसके बाद सर का मसा और फिर पैरों को धुलाया जाए। कुल्ली करना या नाक में पानी डालना ये नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये कि एक कपड़ा या रुई वगैरह लेकर वो पानी वाला गीला करके उसके नथनों में या उसके मुंह में घुमा दिया जाए, उसके दांतों और मसूड़ों पर घुमा दिया जाए, उसके नथनों में नाक के नथनों में घुमा दिया जाए, बस इतना करना है, उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ चेहरा धोएं, उसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत धोएं, वो जो पहले हम वुजू में हाथ धोते हैं कलाइयों समेत उसे नहीं धोना, बल्कि सिर्फ पहला चेहरा धोए उसके बाद कोहनी समेत हाथ धोएं, फिर उसके बाद सर का मसा और फिर दोनों पैर उसके यानी के टखनों तक धो लें। ये वुजू हो गया, फिर उसके बाद जो है उसे उसके पूरे बदन पर हम पानी बहाएं तो पहले उसे बाईं करवट पर लेटाएं और बाईं करवट पर यानी उल्टी सिमत में उसे थोड़ा सा लिटाकर उसके दाहिनी तरफ जो है ऊपर से सर से लेकर के पैर तक पूरे में पानी बहाए, ऐसा पानी बहाए कि तख्ते तक वो पानी पहुंच जाए। और इसी तरह फिर उसे सीधी सिमत में करवट लेटाए, दाहिनी सिमत में करवट लेटाए और फिर उसके जो है उल्टी तरफ में पानी बहाए, पूरे बदन पर उसके पानी बहा दे। फिर उसके बाद जो है उसके सर से लेकर के पैर तक हम उसे पानी बहा दें। और उससे पहले अगर आप उसके यानी साबुन वगैरह अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन वो साबुन में एहतियात ये बरतें कि वो साबुन किसी इस्लामी कंपनी का हो या वो पाकीज़ा साबुन बना हुआ हो, तो ऐसा साबुन इस्तेमाल करें, वरना तो बेसन वगैरह इस्तेमाल करें या और कोई मिट्टी वगैरह या इस तरह की चीजें जो है जैसे मुल्तानी मिट्टी वगैरह आती है इस तरह की चीजें इस्तेमाल करें जो पाक हो। तो बहरहाल इस तरह से आप उसे यानी कि साबुन वगैरह लगा सकते हैं, साबुन लगाकर आप उसे आहिस्ता हाथों से उसे यानी कि नहलाएं और नहलाने के बाद पूरे सर से लेकर के पैर तक उसे आप पानी डाल दें। 1 मरतबा पानी बहाना पूरे जिस्म पर ये फर्ज है और 3 मरतबा बहाएं तो ये सुन्नत है। उसके बाद जो है आप इस गुस्ल के बाद अब आप उसे थोड़ा सा बैठा दें, यानी कि उसके सहारा देकर सर और पीठ की तरफ सहारा देकर थोड़ा सा बैठाए, बहुत ज्यादा बिठाना नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा करना है और उसके पेट पर हल्के हाथों से जो है हाथ फेरना है, बिल्कुल हल्के हाथ से हाथ फेरना है, कोई ज्यादा वजन देकर हाथ नहीं फेरना है कि इससे मुर्दे को सख्त तकलीफ होती है। तो हल्के हाथों से हाथ फेरना है और हाथ फेर कर जो है अगर यानी कि कुछ नजासत निकली हो तो उसे धुल देना। अच्छा, पहले ये नजासत तो ये आखिर में हम निकाल रहे हैं और धो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले भी वुजू और गुस्ल से पहले जो है हम जो सबसे पहले गुस्ल देने वाला गुस्ल देने की इब्तिदा करेगा तो पहले वो नजासत की जगहों को हाथ में कपड़ा या कोई चीज बांध कर जो है पहले वो नजासत की जगहों को धो देगा यानी शर्मगाहों को धो देगा। और फिर उसके बाद गुस्ल देने के बाद फिर ये हल्का सा बिठा कर उसके पेट पर हल्का सा हाथ फेरना है धीरे धीरे, और फिर अगर कुछ नजासत निकली तो उसे धो दे, उस पर पानी बहा दे, दोबारा वुजू और गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से उसको यानी कि गुस्ल दे दें, और गुस्ल जो है वो घर वाले दें तो ज्यादा बेहतर है, और उसमें भी वो लोग के जो उसके करीबी हैं यानी कि बेटा है या बाप है या इस तरह के लोग हैं जो करीबी रिश्तेदार है वो दें, अगर बाहर वाला भी कोई देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ गुस्ल देने वाले अफराद होते हैं वो गुस्ल देते हैं, उनमें भी कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन घर वाला दे तो बेहतर, इसलिए कि बाहर वाले जो गुस्ल देते हैं तो वो रगड़ रगड़ कर उसे नहलाते हैं, बिल्कुल एकदम स्पीड में हाथ घुमा रहे हैं उसके चेहरे पर, उसके बदन पर, तो ये उसे तकलीफ होती है। और घर वाला बंदा होगा तो बड़े आहिस्ता से धीरे धीरे उसे गुस्ल देगा और एहतियात और यानी कि नरमी के साथ गुस्ल देगा, तो ये ज्यादा बेहतर है कि घर वाला गुस्ल दे कि उसे उसकी तकलीफ का एहसास हो और वो इतना रगड़ कर उसे गुस्ल न दे, या बहुत ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल इस तरह से जो है हम उसे गुस्ल दे दें, और गुस्ल देने के बाद अब यानी कि अगर नजासत निकली है तो पानी बहा दिया, इतना काफी है, और फिर उसके पूरे जिस्म पर एक बार पानी बहा दिया, और अब उसे हल्के हाथों से पोछना है, यानी टुवाल या कपड़ा वगैरह से जो उसे हल्के हाथों से पोछना है। यहाँ भी ख्याल रखना है कि रगड़ रगड़ कर बहुत जोर जोर से उसे घिसना नहीं है, पोछना नहीं है, बल्कि नरम हाथों से उसके आजा को पोछना है, इतने यानी इतना पोछना है कि उसका जो गीलापन है वो दूर हो जाए। फिर उसके बाद उसे उठाकर जो है हम जहां कफन यानी के कफन पर ले आएंगे, तो यहां कफन पर लाने में पहले हम कफन की तैयारी कर लें कि हम उसके यानी के पहले जो यानी के कफन में कितने कपड़े सुन्नत है वो मैं आपको बता दूं कि मर्द के लिए। अच्छा पहले एक बात और एक मसला बता दूं कि मर्द को मर्द गुस्ल दे, औरत को औरत गुस्ल दे, ये बेहतर है। अगर मर्द जो है औरत को गुस्ल नहीं दे सकता, ये जायज नहीं है कि मर्द औरत को गुस्ल दे, अगरचे वो उसका शौहर हो तब भी वो गुस्ल नहीं दे सकता। हाँ अगर किसी को औरत में असर ना हो, कोई ऐसी जगह इंतकाल हुआ औरत का कि जहां कोई औरत है ही नहीं, तो उस सूरत में उसका शौहर जो है वो उसे तयम्मुम करा देगा, गुस्ल नहीं देगा बल्कि तयम्मुम करा देगा। और अगर कोई और औरत मिलती हो तो उस और औरत को बुला लें, अगर कोई गैर मुस्लिम औरत भी मिलती हो तो उसे बुलाकर उससे गुस्ल दिलवाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई औरत वहां मैसर ना हो तो उस सूरत में फिर जो है शोहर उससे सिर्फ तयम्मुम करा देगा। और अगर शोहर का इंतकाल हुआ और अगर वहां पर कोई और मौजूद ना हो तो औरत जो है वो शोहर को गुस्ल दे सकती है। और यहाँ पर जो है जब यानी कि कफन हम अच्छा ये देखने का भी एक मसला आता है कि औरत जो है वो शोहर को देख भी सकती है, उसे हाथ भी लगा सकती है, लेकिन शोहर जो है ना वो औरत को हाथ नहीं लगा सकता, उसे गुस्ल नहीं दे सकता, अलबत्ता उसे देख सकता है और साथ ही साथ उसे कब्र में भी उतार सकता है। शोहर जो है वो उसे कब्र में उतार सकता है और उसे देख भी सकता है लेकिन छू नहीं सकता, और औरत जो है वो भी अपने शोहर को देख सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और आगे जो है जब हम कफन की तैयारी करेंगे तो इस सूरत में यह है कि सबसे पहले उसके यानी मर्द के लिए तीन कपड़े ये सुन्नत है कफन में, एक लिफाफा, फिर उसके ऊपर इजार और फिर उसके ऊपर कफनी, ये तीन सुन्नत है, और औरत के लिए पांच कपड़े सुन्नत है। लेकिन अगर ये सुन्नत कपड़े मैसर ना हो, अगर ये सुन्नत कफन देना मैसर ना हो, गरीब आदमी है या वहां की बस्ती वाले गरीब है वो कफन यानी नहीं दे सकते या उसे उसके पास इतना माल नहीं कि इतना कफन दिया जा सके, तो उस सूरत में दो कपड़ों में भी कफन दिया जा सकता है, और ये दो कपड़े जो है ये कफन जरूरत कहलाए जाते हैं, और अगर इतना भी मैसर ना हो कफन किफायत कहलाए जाते हैं दो कपड़े, और अगर इतना भी मैसर ना हो तो एक कपड़े में कफन दिया जा सकता है, और इस एक कपड़े में कफन देना ये कफन किफायत है, सिर्फ एक कपड़े में। मैं आपको बताऊं कि हज़रत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों की जब शहादत हुई तो इनका हाल यह था कि इनके पास कोई माल दौलत थी नहीं, और इनके पास एक चादर थी, उसी चादर में इन्हें कफन दिया गया, तो इतनी छोटी चादर थी कि सर से यानी ढांपते थे तो पैर खुल जाते थे, पैरों से ढांपते थे तो सर खुल जाते थे, सर खुल जाता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर से ढांप दो और क्या नाम है पैरों पर कदमों पर जो है घास डाल दो। इस तरह से भी यानी कफन दिया गया। तो जब मैसर ही ना हो और बड़े सख्ती के हालात हो, तंगी और तंग दस्ती के हालात हो, तो उस सूरत में एक चादर में भी कफन दिया जा सकता है, और ये एक चादर का कफन जो है वो कफन जरूरत कहलाता है। दो में दें ये अच्छी बात है और ये कफन किफायत है, लेकिन अगर मैसर हो तो तीन में, और ये मैयत के माल में से ये कफन दिया जाएगा, यानी मैयत का अगर माल छोड़ गया, रुपया पैसा छोड़ गया, तो उसी के माल से जो है ये कफन दिया जाएगा, और अगर मैयत ने माल ना छोड़ा हो तो फिर उसके रिश्तेदार ये कफन दे सकते हैं, और अगर उनके रिश्तेदारों के पास भी कफन का पैसा ना हो तो फिर उस सूरत में मोहल्ले वाले जो है या दीगर मुसलमान वो उनका इंतजाम करे, ये अच्छी बात है। बहरहाल अगर मोहल्ले वाले मिलकर उसके कफन सुन्नत का अहतमाम करते हैं तो ये अच्छा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है।
और अगर ना करते हो तो फिर घर वाले जो है कफन किफायत या कफन जरूरत में भी उसे दफन कर सकते हैं। बहरहाल तो एक लिफाफा होगा जो उसके सर से एक यानी कि ज्यादा बड़ा होगा और पैरों से भी थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे सबसे पहले बिछा देंगे। फिर उसके ऊपर जो है इजार को बिछाएंगे और ये इजार सर से लेकर के पैरों तक की होगी, यानी कि लिफाफे से थोड़ी छोटी होगी। वहां बांधने की लिफाफा बांधा जाता है, उतनी जगह ज्यादा होती है, उतना कपड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इजार जो है वो सर से लेकर के पैरों तक की होगी। और फिर उसके ऊपर कफनी बिछाना है, और कफनी जो है दोनों तरफ से, यानी एक पीछे का हिस्सा होगा एक आगे का हिस्सा होगा, दोनों बराबर रहने चाहिए। बाज लोग कहते हैं पीछे का छोटा हो आगे का बड़ा, या पीछे का बड़ा हो आगे का छोटा, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। और यहाँ दरमियान से यानी कि उस कपड़े को गड़ी कर देंगे, और गड़ी करने के बाद दरमियान से मोंडों की तरफ से थोड़ा सा काट दिया जाएगा, औरत के लिए सीने की तरफ से काट दिया जाएगा। और इस कफनी को बिछा देंगे, ऐसे बिछाएंगे कि जो कटा हुआ हिस्सा है वो उसके सर के पास यानी बिछाएं या गले बिछाएंगे, और फिर इस कपड़े को खोल देंगे, पूरा खोल देंगे। अब मैयत को लाकर जो है उसका सर वहां रखेंगे और फिर उसे पहना देंगे, उसके यानी गर्दन में वो कपड़ा डाल देंगे, तो एक आधा कफनी का हिस्सा जो है वो नीचे रहेगा, आधा ऊपर रहेगा। और ये कफनी जो है गर्दन से लेकर के घुटनों के नीचे तक की होनी चाहिए। तो फिर अब ये यानी कि एक हिस्सा नीचे है और गर्दन में डालकर जो है दूसरा हिस्सा उसके ऊपर घुटनों के नीचे तक डाल दिया। अब उसके बाद जो है हमें ये इजार का जो कपड़ा है लपेटना है, तो पहले उल्टी तरफ से बाईं तरफ का जो कपड़ा है वो इजार का इस तरफ लपेटना है, फिर उसके बाद दाहिनी तरफ से लपेटना है, दाहिने वाला जो कपड़ा है वो ऊपर रहना चाहिए। तो इस तरह लपेट लें, फिर उसके बाद जो है लिफाफा है उसे, जो उल्टी तरफ का लिफाफा है उसे लपेटें, फिर सीधी तरफ वाला लपेटें, और इस तरह लिफाफे को ऊपर से बांध दें और नीचे से यानी कदमों के पास से उसे बांध दें। इस तरह से यानी ये कफन तैयार होगा। ये तो मर्द का कफन था, रह गया औरत का कफन। तो यही तीन कपड़े औरत में भी सुन्नत है, लेकिन दो ज्यादा कपड़े सुन्नत है औरत के अंदर, एक है दुपट्टा और तीसरा है सीना बंद। तो जो दुपट्टा है उसे हम यानी कि इस तरह रखेंगे, यानी कफनी के नीचे हम उसे रखेंगे कि जब हमने उसे जो है कफनी पहना दी, तो कफनी पहनाने के बाद अब उसके बालों को दोनों तरफ दो हिस्सों में कर देंगे, हिस्सा दाहिनी तरफ और दूसरा हिस्सा बाईं तरफ कर देंगे, और उसके सीने पर बाल कर देंगे। और फिर उसके बाद ये जो यानी कि दुपट्टे का जो कपड़ा है, वो दुपट्टे वाला कपड़ा हम उसकी पीठ के पास से रखकर लंबा यानी कि रखेंगे कि पीठ से लेकर के वो आगे आएगा सर के ऊपर से होता हुआ, चेहरे पर नकाब की तरह होता हुआ उसके सीने तक आएगा। तो पीठ से लेकर सीने तक की इसकी लंबाई होती है, ये यानी कि तीन हाथ का होता है, सॉरी ये इतना लंबा होता है कि पीठ से लेकर के सीने तक आए। तो ये नीचे से रखना है और पीठ से लेकर के फिर यहाँ उसकी गर्दन से होता हुआ सर के ऊपर से आएगा, और सर के ऊपर से नकाब की तरह होता हुआ उसके सीने तक आएगा। ये दुपट्टा होगा। बाज लोग जो है जैसे औरत दुनिया में दुपट्टा ओढ़ा करती थी, इस तरह सर पर उसे रख देते हैं, ये सही तरीका नहीं है। तो इस तरह यानी नकाब की तरह उसके यानी के सीने तक आ गया। फिर उसके बाद जो है हम उसकी इजार लपेटेंगे, और पहले यानी कि उल्टी तरफ से फिर सीधी तरफ से, फिर उसके बाद लिफाफा लपेटेंगे कि पहले उल्टी तरफ से फिर सीधी तरफ से, फिर उसके बाद सीना बंद रखा हुआ है। तो यानी कि मैयत के कफन रखने में पहले सीना बंद रखना है, फिर लिफाफा रखना है, फिर उसके ऊपर इजार रखनी है, फिर उसके ऊपर जो है इजार के ऊपर हमें वो दुपट्टा रखना है, फिर उसके ऊपर कफनी रखनी है। पहले कफनी यानी कि रखेंगे उसे पहनाएंगे, कफनी के बाद जो है उसको हम दुपट्टा उस पर नकाब की कर देंगे कि आधा कपड़ा उसकी पीठ के पीछे नीचे रहेगा, दबा रहेगा, और आधा कपड़ा जो है उसके सीने तक आएगा। फिर उसके ऊपर यानी कि हमें लिफाफा रखना है, इजार रखनी है, और फिर इजार के ऊपर हमें रखना है लिफाफा। तो इस तरह से जो है लिफाफे के ऊपर अब जो है ना वो सीना बंद आ जाएगा, और ये सीना बंद जब हम लपेटेंगे तो सीना बंद भी उसके सीने से लेकर के उसके घुटनों तक का ये कपड़ा होता है, यानी कि सीने के पास से लेकर ऊपर से लेकर जो है घुटनों के पास तक या घुटनों के नीचे तक का रहता है, तो इसे भी हम ऊपर लपेट देंगे। ये हो गया पांच कपड़े औरत के कफन के हो गए। और उसे यानी कि जब हम कब्र में रखें इस मुर्दे को, तो उस सूरत में भी ये जो बांधा गया है उसे या तो खोल दें, अगर ना भी खोला तब भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खोलते हैं ये अच्छी बात है। और इसके यानी कि हम इसे कफन में लपेटने से पहले एक बात और कि कफन में लपेटने से पहले हम उसके आजाए सुजूद पर यानी सजदा जिन आजा पर वो किया करता था उस पर हम काफूर वगैरह लगा दें, तो यानी कि उसकी पेशानी पर, उसकी नाक पर, उसके दोनों हाथों पर, उसके घुटनों पर और उसके कदम पर, ये यहाँ पर जो है काफूर लगा दिया
جائے اور پھر اس پر یعنی کہ اس کے یعنی کفنی پہنانے کے بعد پھر اس پر خوشبو مل دی جائے, کفنی پہنانے کے بعد اس کفنی پر جو ہے اس کے بدن پر خوشبو مل دی جائے اور اس کے بعد یہ سارا کفن پہنا دیا جائے. اور کفن پہنانے کے بعد جو ہے اب یعنی کہ ہمارے یہاں رسم ہوتی ہے کہ منہ یعنی دکھاتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, منہ دکھا سکتے ہیں, لیکن منہ دکھانے کے بعد پھر اسے بند کر دیا جائے اور باندھ دیا جائے. اب یہاں سے یعنی کہ عورت کا جو عورت کی میت ہے اسے غیر محرم نہ دیکھیں, صرف گھر کی عورتیں دیکھ سکتی ہیں یا گھر کے جو مرد محرم ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, شوہر بھی دیکھ سکتا ہے, لیکن باہر کے دوسرے لوگ جو ہیں اسے نہیں دیکھ سکتے. اب اسے جب ہم گھر سے لے جائیں گے تو اس صورت میں ہم اسے یعنی کہ جنازے میں لیٹاتے ہیں, اور جنازے میں لیٹا کر ہم اسے لے گئے تو نماز جنازہ ادا کی جائے گی. نماز جنازہ جو ہے وہ سارے لوگ جمع ہو جائیں, اس میں سب سے بہتر جو ہے افضل نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بادشاہ اسلام ہے, بادشاہ اسلام نہ ہو تو اس کا نائب ہے یا اس کا یعنی کہ پھر اس کے بعد قاضی ہے, اور قاضی نہ ہو تو پھر امام مسجد یا جامع مسجد کا جو امام ہے وہ افضل ہے, اور اس کے بعد جو ہے محلے کا امام یہ افضل ہے, اور پھر اس کے بعد ولی افضل ہے. تو یہ جو ہے اس ترتیب سے ولی جو ہے وہ نماز پڑھانا چاہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اگر اسے نماز پڑھانا آتی ہو اور ولی ہی پڑھائے تو یہ اچھی بات ہے, لیکن اگر ولی نہ پڑھانا پڑھا سکتا ہو یا نہ پڑھاتا ہو تو پھر امام محلہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے گا, یا ولی جس کو اجازت دے گا وہ نماز جنازہ پڑھائے گا. تو یہ نماز جنازہ جو ہے ہم صفے لگا کر کھڑے ہو جائیں, امام جو ہے وہ اس کے سینے یا میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا اور قریب میں کھڑا ہوگا, اس کے بعد صفے لگیں گی. صفے لگانے میں امام رکھنا ہے, جیسے نماز کی صفے لگانے میں ہم صفوں کو درست رکھتے ہیں ویسے یہاں بھی نماز جنازہ میں بھی ہمیں صفوں کو درست رکھنا ہے, سیدھی رکھنا ہے, اور تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہونا ہے. یہاں تک کہ این کے فقہ کی کتابوں میں تو یہ ہے کہ جیسے صف لگتی ہے اتنی جگہ چھوڑ کر ہمیں صف لگانی ہے, لیکن اگر اتنی جگہ ہمیں رکوع سجدہ نہیں کرنا, اس لیے اگر اتنی جگہ نہ بھی چھوڑی تب بھی تھوڑی سی جگہ درمیان میں صفوں کے درمیان میں ہونی چاہیے کہ ہم آرام سے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا سکے اور کسی کو ڈسٹرب نہ ہو اور صف جو ہے وہ سیدھی ہو سکے. اتنی جگہ رکھیں اور جو ہے کم سے کم تین صف ہونی چاہیے, کہ اللہ کے رسول حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی تین یعنی کہ جس کی میت پر تین صف نماز جنازہ پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو تین صف ہونی چاہیے. اگر کسی کے جنازے میں صرف سات افراد ہو, امام کے سوا صرف سات ہو یا امام کے ساتھ مل کر صرف سات افراد ہو, تو امام تو آگے کھڑا رہے گا, پھر پہلی صف میں تین آدمی کھڑے رہیں, پھر دوسری صف میں دو آدمی اور تیسری صف میں ایک آدمی کھڑا رہے, اس طرح یعنی کہ سات آدمی صف لگا سکتے ہیں. اگر زیادہ ہو تو بہتر ہے, اور جتنے زیادہ ہوں گے اللہ کے رسول کی دوسری حدیث کہ جس کی نماز جنازہ 40 لوگوں نے کی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یعنی کہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو بندہ نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اس کے لیے ایک قرات کا ثواب ہے, اور جو یعنی کہ دفن تک شریک رہتا ہے اس کے لیے دو قرات کا ثواب ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ قرات کتنا ہے؟ سرکار فرماتے ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کو ایک قرات یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے, اور دفن میں بھی شرکت کی تو دو پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا. تو ہمیں نماز جنازہ اور دفن دونوں میں شرکت کرنی چاہیے, لیکن اگر ہمیں نماز جنازہ کے بعد اگر واپس لوٹنا ہو تو والی کی اجازت سے ہم لوٹ سکتے ہیں, یعنی اسے کہہ دیں, اسے ملاقات کر لیں اور کہہ دیں کہ میں اب جا رہا ہوں, مجھے کام سے تھوڑا جانا ہے, تو آپ یعنی کہہ کر واپس ہو سکتے ہیں. اور دفن کے بعد اگر لوٹ رہے ہیں تو پھر وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بغیر بتائے ہی واپس لوٹ سکتے ہیں اگر دفن میں بھی شرکت کریں. بہرحال تو نماز جنازہ کے لیے ہم وہ سارے شرائط ہیں جو نماز کے لیے, اس میں بھی وضو شرط ہے ضروری ہے, اور اس میں بھی پاکی طہارت, مقام کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا اور قیام, یہ ساری چیزیں, قبلہ رخ ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں بھی شرط ہے, جیسے نماز میں شرط ہے. اب یہ کہ یہاں تکبیر تحریمہ جو ہے وہ رکن میں نماز جنازہ کا رکن ہے, اور اس میں جو ہے دو چیزیں فرض ہیں, نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں, ایک چار تکبیر کہنا اور دوسرا ہے قیام کرنا, یہ دو چیزیں فرض ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سنت موقعہ ہے, یعنی ثنا پڑھنا, درود ابراہیم پڑھنا, دعائیں یعنی کہ میت کی دعا پڑھنا, یہ سب سنت موقعہ ہے. اگر یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باوضو نہیں ہیں, جنہوں نے وضو نہیں کیا ہے,
ऐसे अफराद मौजूद हैं और इमाम खड़ा हो गया और मैयत का वली भी आ चुका है और नमाज जनाजा शुरू होने वाली है। अब अगर बंदे ने सोचा कि मैं वजू करने के लिए गया तब तो नमाज जनाजा जो है वो छूट जाएगी, तो उस सूरत में उसे इख्तियार है यानी कि उसे इजाजत है कि वो तयम्मुम करके नमाज जनाजा में शरीक हो सकता है। और अगर वो वली है बज़ात खुद वली है कि उसकी इजाजत के बगैर तो नमाज होने ही वाली नहीं है, तो या अगर हो भी गई तो ये दोबारा कहेगा कि भाई दोबारा पढ़ो, तो जब तक वली ना पढ़ ले नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। तो अगर वो वली है तो वली के लिए इजाजत नहीं है कि वो तयम्मुम से पढ़े, इसलिए कि उसके तो इंतजार में सारे लोग खड़े रहेंगे तो वो जाकर वजू करे। लेकिन अगर दूसरे लोग हैं जो वली नहीं है और जिनके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा, तो ऐसे अफराद जो है अगर उन्हें खतरा हो कि अब नमाज जनाजा शुरू हो गई या शुरू होने वाली है और हम वजू करने गए तो छूट जाएगी, तो सूरत में वो तयम्मुम करके नमाज जनाजा में शरीक हो सकते हैं। और नमाज जनाजा में हम यानी पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हाथों को दोनों कानों तक उठाकर हम हाथ बांध लेंगे, उसके बाद की तकबीरों में हमें हाथ नहीं उठाने हैं। लेकिन अल्लाह अकबर कहकर हम हाथ बांधेंगे और सना पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सना पढ़ लें, फिर इमाम दूसरी तकबीर कहेगा हमें भी कहना है अल्लाह अकबर, और उसमें जो है हमें अब दुरूद पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और फिर उसके बाद तीसरी तकबीर के बाद हमें मैयत के लिए दुआ करनी है, दुआ मगफरत करनी है, और जो मैयत की दुआ है वो करनी है। अगर किसी को मैयत की दुआ याद ना हो तो फिर उस सूरत में वो अल्लाहुम्मा इग्फिरली वली वालिदैय्या वाला जो दुआ मासूरा है वो भी पढ़ सकता है, या रब्बना आतिना फिद दुनिया की जो दुआ है वो भी पढ़ सकता है, तो ये दुआ पढ़े। और उसके बाद जो है चौथी तकबीर जब कही जाएगी अल्लाहु अकबर, तो यानी हमें इस चौथी तकबीर के बाद हाथों को छोड़ना है और फौरन सलाम फेर देना है, उसमें फिर ताखिर की जरूरत नहीं है, इसलिए कि चौथी तकबीर के बाद कुछ भी पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से यानी कि ये नमाज जनाजा हो जाएगी, और उसके बाद नमाज जनाजा के बाद जो है मैयत को कंधा देना होता है। अब यहाँ पर हम यानी अहले सुन्नत जमात जो है दुआ करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, तो इस फातिहे में भी कोई हर्ज नहीं है। बहुत से लोग जो है इसका सबूत मांगते फिरते हैं कि भाई सबूत दो सबूत दो, तो पहली बात तो ये है कि मैयत के लिए जितना भी हम दुआएं मगफरत करें इसमें सबूत की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कसरत के साथ उसके लिए दुआएं मगफरत करो, तो जब जब आप दुआएं मगफरत करेंगे आपके लिए अच्छी बात है। हम इसे लाजिम और जरूरी नहीं समझते हैं कि करना ही पड़ेगा, ये फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बगैर नमाज नहीं होगी जनाजा नहीं होगा, ऐसा तो हम समझते नहीं है। तो अगर दुआ मगफरत करते हैं अच्छी बात है, लेकिन दुआ मगफरत के लिए जहां खड़े थे उससे थोड़ा सा हट जाएं, जगह छोड़ दें, ताकि किसी को ये शक ना हो कि ये भी नमाज जनाजा में जो है शामिल है, बल्कि ये नमाज जनाजा के अलावा दुआ मगफरत है। और फिर उसके बाद हम दफन के लिए उसे यानी कि कंधा देंगे, उठाकर कब्रिस्तान ले जाना है तो कंधा देंगे, तो उसमें हमें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले दाहिनी तरफ सीधी तरफ आगे की तरफ जो है सिरहाने की तरफ कंधा दें, फिर उसके पाइंती की तरफ यानी मैयत के पाइंती की तरफ सीधी जानिब हम कंधा दें, फिर उसके यानी मैयत के उल्टे कंधे की तरफ हम सिरहाने की तरफ से उसे कंधा दें, फिर उसके पाइंती की तरफ उल्टी तरफ हम उसे कंधा दें, और हर कंधे में 10 कदम लेकर चलें। हालांकि अब तो यानी इतनी पब्लिक होती है कि 10 कदम हम चल ही नहीं सकते, कंधा दिया 1 कदम भी नहीं चले के पीछे हो जाना पड़ता है। बहरहाल तो कंधा देंगे तो इसमें भी सवाब है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक हम इसे कंधा देते हैं और देते रहते हैं और मैयत को कब्रिस्तान तक यानी पहुंचाते हैं, तब तक गोया कि हम जन्नत से फूल चुन रहे हैं, तो ये हमें कंधा देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर 10 कदम हो सके तो 10 कदम में दें, ना हो सके तो बार बार दें कि कई ज्यादा कदम हो जाए, तो बार बार हम उसे इसी तरीके से हम कंधा देते रहें। जो लोग पहली मरतबा उठाएंगे तो जाहिर सी बात है एक बंदा सिरहाने होगा, दाहिनी तरफ होगा, एक बाईं तरफ होगा, एक पैंती में सीधी तरफ होगा, एक पैंती में उल्टी तरफ होगा, तो इस तरह वो 4 जो है उठाएंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो कंधा दे वो ये तरतीब इख्तियार करें कि एक दाहिनी तरफ यानी पहले फिर बाईं तरफ, और इसी तरह से जो ये हम उसे कब्रिस्तान ले जाए तो जनाजे के आगे आगे चलना मकरूह है, लेकिन कंधा देने के लिए हम आगे जाते हैं कि लाइन में खड़े हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये तो आगे आगे बस चलना ये मकरूह है। हाँ, अगर मुअज्जम दीनी हो, कोई बड़ा यानी पीर साहब हैं या कोई आलिम दीन है या इस तरह के लोग हैं, वो अगर आगे आगे चलते हैं तो ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, इसमें चलने में कोई हर्ज नहीं है। ये शाफे की तरह यानी कोई नेक परहेजगार इस तरह मुत्तकी परहेजगार लोग हों और वो अगर मैयत के आगे चलते हैं तो इनके चलने में कोई हर्ज नहीं, वरना बाकी सारे लोगों को मैयत के जनाजे के पीछे चलना चाहिए, दाएं बाएं भी ना चले बल्कि पीछे चले। हाँ, कंधा देने के लिए अगर आगे जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं।
इसी तरह जो है हम सवारी पर सवार ना हो, पैदल जाएं, अगर सवारी पर सवार होकर जाना है तो पीछे आएं, या अगर आगे भी जाना चाहें तो इतनी दूर उससे यानी कि रहें सवारी पर के इस जनाजे में शरीक मालूम ना हो, ये ना हो कि हम जनाजे ही में आगे आगे गाड़ी पर गाड़ी लेकर जा रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल जब हम इसे कब्रिस्तान पहुंचाएं तो जब तक जनाजा नीचे न रख दिया जाए कोई भी बंदा बैठे नहीं। अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमा कि जब तक जनाजा जमीन पर न रख दिया जाए तब तक कोई ना बैठे। जब जनाजा जमीन पर रख दिया जाए फिर उसके बाद अगर कुछ लोग यानी कि जब तक कब्र की तैयारी हो रही है कुछ लोग बैठना चाहें बैठ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ये जनाजा रखेंगे किबले की सिमत में, यानी कि जहां कब्र खोदी गई है तो किबले की सिमत में इस जनाजे को रखा जाए और किबले की सिमत से उसे कब्र में उतारना चाहिए। अगर औरत है तो पर्दा करना चाहिए। और यहाँ जो है हम बहुत चीजें कब्र में छांटते हैं, कुछ पाउडर आता है अभी लाता है या इस तरह की दूसरी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जो है खुशबू अगर आप छांटना चाहें या इस तरह का कोई पाउडर वगैरह छांटना चाहे कि जिससे वहां पर जो है कोई जानवर ना आए या इस तरह की चीजें कीड़े मकोड़े ज्यादा वहां ना हो जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, छांट सकते हैं। बहरहाल इसे छांटने के बाद जो है हम यानी कि जो कब्र में उतरेंगे वो इतने अफराद हों कि कब्र में हम उस मुर्दे को उतारने में आसानी हो, तो दो तीन लोग कब्र में उतरें और जो इसके रिश्तेदार हों तो ज्यादा अच्छा है कि वो आहिस्तगी से मुर्दे को नीचे उतारेंगे। कब्र दो तरह की होती है, एक लहत वाली कब्र होती है और एक जो है संदूक की कब्र होती है। तो ये आजकल हमारे यहाँ संदूक की कब्र ज्यादा होती है, तो याद रखें कि संदूक की कब्र में जहां जमीन से हमने खोदना शुरू किया वहां से नहीं बल्कि जहां से हम संदूक बना रहे हैं यानी कि जहां से हम तख्ते रखने वाले वहां से लेकर के मैयत को रखने तक की जो खुदाई है वो इतनी होनी चाहिए कि या तो वो यानी कि सीने तक हो या कम से कम कमर तक होनी चाहिए, इतनी जो है खुदाई होनी चाहिए। और फिर उसमें जो है हम जब मैयत को नीचे उतारें आहिस्तगी से या तो लहद में रखें या यहाँ रखें, फिर उसके बाद उस पर तख्ते रखें और मैयत को रखने में नीचे हम जो है चटाई वगैरह न बिछाएं, प्लास्टिक या चटाई वगैरह इस तरह की कोई चीज न बिछाएं, ये बिछाना जायज यानी कि मुनासिब नहीं है। प्लास्टिक तो बिल्कुल जायज नहीं है लेकिन अगर चटाई बिछाते हैं तो ये भी मकरूह है, ये भी नहीं बिछाना चाहिए बल्कि जमीन पर मुर्दे को रखना चाहिए और उसके बाद हम तख्ते लगाकर उस पर चटाई लगाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उसमें भी प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल ना करें कि प्लास्टिक जो है वो यानी कि जल्दी गलता नहीं है, इसलिए प्लास्टिक ना रखें। अलबत्ता चटाई खजूर के दरख्त की चटाई या छाल की चटाई इस तरह की जो भी चटाई हो इसके रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये हमने जो है बिछा दिया, उसके बाद अब हम उस पर मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डालकर जो है यानी कि सबसे पहले जो मिट्टी डालते हैं उसे हम कहते हैं कुल तबारक की मिट्टी। असल में कुल तबारक कुछ भी नहीं, वो एक आयत है जिसे हमें पढ़कर जो है दम करके वो मिट्टी डालनी है पहली मरतब यानी सिरहाने की तरफ वो मिट्टी डालनी है। तो वो मिट्टी में हम सबसे पहले जो है जो दुआ पढ़ते हैं एक यानी कि मुट्ठी या एक ढेला लें और उसमें हम जो दुआ पढ़ेंगे वो ये कि मिनहा खलकनाकुम, ये एक पर पढ़कर दम करें, दूसरे पर यानी कि हम ये पढ़कर कि मिनहा खलकनाकुम पहली मर्तबा में, दूसरी मर्तबा व मिनहा वफीहा नुईदुकुम ये दूसरी मर्तबा में, और तीसरी मिनहा खलकना व मिनहा खरजनाकुम तारतन उखरा ये तीसरी मर्तबा में पढ़ेंगे। और ये तीन मुट्ठी जो है हम सिरहाने की तरफ पहले डालेंगे और इस तरह यानी पहली मर्तबा ये कुल तबारक की जो मिट्टी कहते हैं इसे वहां सिरहाने पर डालें, उसके बाद फिर पावड़े वगैरह से आप मिट्टी डाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी मुसलमान हजरात अपने हाथों से मिट्टी डालें या पावड़े वगैरह से डालें, यानी मजदूर वगैरह गैर मुस्लिमों को उसमें न लगाएं, ये ज्यादा मुनासिब है। और मैयत के करीब जो है पकी हुई ईंट नहीं होनी चाहिए, कच्ची ईंटें लहद वगैरह में रखने के बाद कच्ची ईंटें लगा सकते हैं या पत्थर की सिले वगैरह लगा सकते हैं। लकड़ी को फुकहा ने मकरूह करार दिया है कि ना लगाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर लगाते हैं तख्ते वगैरह में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, कराहत है, मकरूह तंजीही है, तहरीमी नहीं है। तो यानी ये कि ये बदफाली है, बदफाली का मतलब ये है कि अच्छी चीज नहीं है कि लकड़ी जो है वो आग जलाने के लिए काम में आती है तो ये जलाने की चीज जो है वहां ना रखी जाए। तो पत्थर वगैरह रखे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आजकल जो तख्ते ऊपर यानी कि कब्र से मैयत से थोड़ा ऊपर रखते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद जो है मिट्टी हम उस पर डाल देंगे तो बहुत ज्यादा ऊंची कब्र ना की जाए बल्कि एक बालिश्त ऊंची हो और वो बिल्कुल चौकोर ना हो, सपाट और चौकोर ना हो बल्कि ऊंट के कुहान की तरह हो, जैसे ऊंट का कुहान ऊंचा उठा हुआ इस तरह से होता है। और
तो इस तरह से यानी कि इस कब्र को तैयार करनी चाहिए। ऊपर पानी डालने में भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर आप उस पर फूल वगैरह डालते हैं इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, या पत्ते वगैरह डालते हैं या कोई शाख तर शाख जो है वो गाड़ देते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है।